नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एक पैनल की डीसी टू डीसी आईसी है। उसका नंबर है 6861AAQ। तो इस आईसी के द्वारा जो पैनल के मेन वोल्टेजेज हैं वो किस तरह से जनरेट होते हैं और ये आईसी किस तरह से वर्क करती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम इनपुट से बात शुरू करते हैं। इसका जो आईसी का इनपुट है, पैनल इनपुट 12 वोल्ट रहेगा, लेकिन इसकी रेंज है 8 वोल्ट से 14 वोल्ट तक ये आईसी वर्क करेगी। इनपुट में अगर 8 वोल्ट से 14 वोल्ट तक आएगा तो चलता है। अभी सबसे पहले मान लो इस आईसी है, कोई भी आईसी को वीसीसी वोल्टेज चाहिए, वर्किंग के लिए विन वोल्ट सप्लाई चाहिए। तो इसकी सप्लाई हुई 12 वोल्ट, तो ये 12 वोल्ट सीधा आके इसको देखिए 16, 17 और 20 तीन पिनों पर सीधा आ रहा है यहाँ पर 12 वोल्ट। तो जैसे ही इसको इनपुट मिलेगा, उसके बाद मैंने सीक्वेंस रखा है। देखिए, एक नंबर पे सबसे पहले इसको इनपुट चाहिए, तो ये इनपुट, ये बाकी सब कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, वो अलग चीज़ है। वो फिल्टर के लिए मान लो ये जिनर डायोड लगा है, सेफ्टी के हिसाब से ये सब चीज़ें हैं। मेन फंक्शन ये है कि सीधा 12 वोल्ट आके इस आईसी को मिलेगा। जैसे इस आईसी को 12 वोल्ट मिलेगा, इस आईसी के अंदर सारे जो हैं एलडीओ वगैरह सब लगे होते हैं, वहाँ से प्रोसेस होके ये देखिए, ये आप नंबर एक पर हमारा इनपुट हो गया वीसीसी, नंबर टू पे 3.3 वोल्टेज बनेगा। तो ये 3.3 वोल्टेज बनने के लिए देखिए, ये आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, ये बक सर्किट का कॉम्बिनेशन है। ये इसके बारे में वो ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लेना। तो ये बक सर्किट के द्वारा एक कॉइल लगी है, एक डायोड लगा है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जहाँ पर हो, वो ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज बनाने का काम होता है। तो इस बक सर्किट के द्वारा हमको 3.3 वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही 3.3 वोल्ट प्राप्त होगा, अभी ये आईसी बाकी वोल्टेज सारे कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं करेगी। सबसे पहला जैसे इसको इनपुट मिलेगा, सबसे पहले आपका 3.3 वोल्ट जनरेट होना चाहिए। अगर आपका 3.3 वोल्ट जनरेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप यहाँ इसको चेक करिए या डायोड को चेक करिए या फिर ये आईसी ख़राब है। आपका 3.3 वोल्ट जनरेट होना चाहिए। तो अगर नहीं हो रहा है, तो इसके रास्ते में जो कंपोनेंट लगे हैं आप उनको चेक कर सकते हैं। और जैसे यहाँ से जनरेट होगा और ये कैपेसिटर के द्वारा फिल्टर हो जाएगा, तो और वो अलग अलग सेक्शंस को चला जाएगा। टीकॉन प्रोसेसर को भी 3.3 वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो जहाँ पर भी देखो, ये पावर मैनेजमेंट है, जहाँ भी टीकॉन पर पावर की ज़रूरत है, ये आईसी के द्वारा ही दिया जाता है। तो 3.3 वोल्ट जो जनरेट हुआ है, वो जो भी हमारे सेक्शन हैं, फ्लैश अपना ईप्रोम लगी होती है, तो जहाँ पर भी 3.3 वोल्ट की ज़रूरत है, वो सारे वोल्टेज यहीं से जाएंगे। अभी अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप हमारा तीन नंबर, देखिए मैंने कहाँ लिखा है, ये रहा वीजीएल। तो वीजीएल कब बनेगा? अभी पहले इस आईसी का देखिए पिन नंबर क्या है, ये 9, पिन नंबर 9 इनेबल पिन है इसका। अब डिपेंड करता है अलग अलग सर्किट पे, इसको इनेबल मिलना चाहिए। कि अब इनेबल आप कहीं से भी दे सकते हो, इस सर्किट में जैसे यहाँ से डायरेक्ट दिया है, हो सकता है ये इनेबल वोल्टेज किसी किसी सर्किट में टीकॉन से दिया होता है। तो आपको सर्किट को समझना है, आपको रटना नहीं है, किस तरह से वर्क करता है आप इसको समझ गए, तो आपके पास उसकी डाटा शीट है या नहीं है वो कोई मायने नहीं रखेगा। आप खुद ट्रेस कर सकते हो, खुद आप कोई भी आईसी होगी उसका फंक्शन आप खुद समझ जाओगे, क्योंकि हर एक आईसी की डाटा शीट भी अवेलेबल नहीं है, वो हम सभी को पता है। तो जैसे ही आपका 3.3 वोल्ट बना, उसके बाद इसको इनेबल मिलेगा। इनेबल मिलने के बाद ये बाकी के वोल्टेज जनरेट करेगी। ये एसएस जो सॉफ्ट स्टार्ट पिन है, वो एक उसके सीक्वेंस मेंटेन करती है एक तरह से। तो 3.3 वोल्ट देखिए, ये मैंने यहाँ से दिखाया है, यहाँ से होते हुए ये, फिर ये ब्लू होते हुए R4 से होते हुए पिन नंबर 9 पर 3.3 वोल्ट। जैसे ही यहाँ 3.3 वोल्ट बनेगा, तुरंत ही इसको 3.3 वोल्टेज यहाँ से इनेबल हो जाएगा। अब 3.3 वोल्ट इनेबल हो गया, तो फिर क्या होगा? यहाँ से देखिए DRVN। अब आप कोई सी भी आईसी हो, अगर पिन आउट है आपके पास, तो DRVN जो लिखा है वो VGL के लिए होता है। VGL के लिए पल्स है ये, जो ये कैपेसिटर देख रहे हैं,
ये कैपेसिटर के द्वारा, यहाँ पर ये कैपेसिटर और ये दो डायोड, ये एक कॉम्बिनेशन होता है, आपको देखने में ट्रांजिस्टर जैसा लगता है तो उस टाइप का है। तो यहाँ स्विचिंग क्रिया के द्वारा यहाँ पर हमको VGL -6 वोल्ट प्राप्त होना चाहिए। जैसे इसको इनेबल मिलेगा, इनेबल मिलने के बाद -6 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। अब -6 वोल्ट प्राप्त हो गया। अब ये चौथे नंबर पर आता है आपका AVDD, जिसको यहाँ पर नाम दिया है RVA1। तो ये AVDD वोल्टेज कैसे बनेगा, VA बोलते हैं इसको, तो ये कैसे बनेगा। अभी इसको इनेबल मिल गया, मान लो VGL भी आपका मिल गया -6 वोल्ट, लेकिन अगर AVDD नहीं बन रहा है तो उसका क्या कारण है। तो जैसे ही इसको इनेबल मिलेगा, तो देखिए ये GD पिन है, ये गेट ड्राइव पिन है, यहाँ एक MOSFET लगा है, तो इसके लिए ये GD पिन इनेबल होगी। जैसे ही ये GD पिन इनेबल हो जाएगी, देखिए मैंने लिखा है व्हेन 9 नंबर ओके, जब 9 नंबर पर ओके है तो 30 नंबर भी ओके हो जाएगी, इनेबल हो जाएगी। अगर ये नहीं हो रही तो इस IC का फॉल्ट है। जैसे ही 30 नंबर इनेबल हो जाएगी तो 25 और 26 पिन, ये स्विचिंग SW, तो 25 और 26 भी उसके बाद इनेबल होगी। पहले ये गेट ऑन हो जाएगा यहाँ से, और ये थ्रेशोल्ड लिमिट पे पहुँचने के बाद में ये यहाँ से स्विचिंग क्रिया इसकी IC की शुरू हो जाएगी। अब आप देखिए हर IC में आपको इसी टाइप का सर्किट मिलता है। जैसे 12 वोल्ट आता है एक कॉइल से होते हुए, और उसके बाद एक डायोड होता है, एनोड से कैथोड की तरफ पास हो जाता है वोल्टेज। अब जब मान लो यहाँ पर कोई स्विचिंग क्रिया नहीं हो रही है, तो सीधा देखिए आप 12 वोल्ट आएगा यहाँ से, आएगा ये डायोड से पास हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा 12 वोल्ट जो इनपुट हो रहा है, लगभग उतना ही वोल्टेज आपको सीधा मिलेगा। अगर उतना ही वोल्टेज मिल रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर स्विचिंग क्रिया नहीं हो रही। अगर यहाँ कोई वोल्टेज मिल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब आप आगे देखिए कहीं शॉर्टिंग है, कोई और रीज़न हो सकता है। अगर बिल्कुल नहीं मिल रहा है और यहाँ पर 12 वोल्ट है और यहाँ बिल्कुल वोल्टेज नहीं है, इसका मतलब आगे कहीं कुछ प्रॉब्लम है, शॉर्टिंग है। क्योंकि यहाँ अगर स्विचिंग IC वर्क नहीं करती है, तो भी आपका 12 वोल्ट जो सीधा सीधा आ रहा है, वो 12 वोल्ट तो यहाँ तक तो मिलना चाहिए। आप टेस्ट पॉइंट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ रुका हुआ है। टेस्ट पॉइंट पे आप चेक करोगे तो आपको कुछ वोल्टेज नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ बीच में जो ये स्विच लगाया है, इसके सोर्स पर आप चेक करिए तो यहाँ आपको 12 वोल्ट मिलना चाहिए। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। मान लो ये इसको ऑन किया, अगर यहाँ 12 भी मिल रहा है, इसका मतलब ये IC वर्क नहीं कर रही है। पैनल में जैसे हम जानते हैं कि किसी पैनल में दो कॉइल होती हैं, किसी में एक होती है। दो जिसमें कॉइल हों वो 12 वोल्ट का पैनल होता है, एक कॉइल होती है तो 5 वोल्ट का। लेकिन ये पहचान में आपको ये ज़रूरी है कि देखिए कैसे है ये चीज़, क्योंकि कंपलसरी एक इंडक्टर कॉइल AVDD वोल्टेज जनरेट करने के लिए चाहिए चाहिए। तो जो 12 वोल्ट इनपुट हो रहा है, तो उसको एक तो AVDD बनाने के लिए एक इंडक्टर कॉइल हो गई, दूसरा 12 वोल्ट से हम डायरेक्ट 3.3 किसी रेगुलेटर से या 1117 से जो आते हैं उनसे नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत हीट जनरेट होगी। तो यहाँ पर हम बक कन्वर्टर का यूज़ करते हैं, बक सर्किट का यूज़ करके बनाते हैं, और उसके लिए भी हमको एक कॉइल की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से जो 12 वोल्ट का होगा, उसमें दो कॉइल होंगी, और जिसमें 5 वोल्ट का पैनल है, तो वहाँ पर 5 से हम सीधा 3.3 कोई भी रेगुलेटर के द्वारा बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 5 और 3.3 में। लेकिन यहाँ पर 12 और 3.3 में काफ़ी अंतर हो जाता है, इसलिए यहाँ कॉइल का यूज़ करते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है कि भाई जहाँ 12 वोल्ट का पैनल है, दो कॉइल हो गई, और 5 वोल्ट का है तो एक कॉइल होगी, और वो कॉइल किसकी होगी, AVDD की, क्योंकि AVDD के लिए बूस्टिंग सर्किट चाहिए। तो यहाँ पर जैसे स्विचिंग होगी, ये इंडक्टर कॉइल के द्वारा यहाँ पर स्विचिंग क्रिया के द्वारा वोल्टेज बढ़ के हमको यहाँ पर प्राप्त होंगे, और ये गेट के द्वारा हमको AVDD वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही हमारा AVDD मिल जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप देखिए। 4 नंबर हो गया, AVDD बन गया। 5वां नंबर है V रेफरेंस G1। ये जो गामा जो सर्किट है हमारा, गामा इस उसके लिए IC के लिए रेफरेंस वोल्टेज जो चाहिए होता है, वो इस IC की 48 नंबर पिन पे इंटरनल जनरेट होके ये रेफरेंस वोल्टेज जनरेट होगा। उसके बाद AVDD के बाद
रेफरेंस वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा VGH का जो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ड्राइव DRVP, तो ये पॉजिटिव ड्राइव शुरू हो जाएगी चार्ज पंप, ये लिखे मैंने पॉजिटिव चार्ज पंप। और VGL के लिए क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पंप। ये कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए, एक कैपेसिटर और ये दो डायोड का ही कॉम्बिनेशन होता है। सेम चीज़ यहाँ पर होती है, किसी किसी में एक सेट होता है, यहाँ पर दो सेट हैं और दो कैपेसिटर हो गए जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को दो बार कर दिया गया है, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं। किसी किसी में एक बार ही होता है, ऐसे डायोड में गया अंदर, यहाँ पर स्विचिंग होगी, इस डायोड से बाहर आ जाता है, यहाँ VGH मिल जाता है। लेकिन इसमें क्या किया है, ये AVDD है, RVA1 AVDD वोल्टेज है, ये देखिए इस डायोड से अंदर गया, यहाँ पर इस कैपेसिटर के द्वारा स्विचिंग क्रिया होगी ये DRVP के द्वारा, और यहाँ से ये रेक्टिफाइड हो गया, यहाँ पर थोड़ा बढ़ेगा, यहाँ जो बड़ा वो वोल्टेज है उसको फिर से अंदर दिया है इस डायोड के द्वारा, फिर यहाँ स्विचिंग क्रिया हो रही है और इस डायोड के द्वारा फिर से आउट हो रहा है। तो यहाँ पर हमको लगभग 35 वोल्ट के आसपास हमको वोल्टेज मिलेगा, जिसको RVGH F1 नाम दिया है यहाँ पर। और इस वोल्टेज को वापस इसी IC के अंदर, देखिए VGH जो पिन है 39 उसमें अंदर दिया गया है, और जो TCON प्रोसेसर IC है उसके द्वारा मॉड्यूलेटेड VGHM, इसका मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि VGH और VGHM में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह से हमारा देखिए 12 वोल्ट से फर्स्ट में 3.3 बन गया, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आया था, सेकंड हो गया, थर्ड नंबर पे VGL, फोर्थ पे AVDD, फिफ्थ पे वी रेफरेंस G1 और सिक्स पे हमारा VGH वोल्टेज जनरेट हो गया। तो इस तरह से IC वर्क करती है, और इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये सारा VCOM वोल्टेज भी इसी IC के द्वारा जनरेट होता है, और गामा के लिए जो वी रेफरेंस वोल्टेज चाहिए वो भी इस IC के द्वारा जनरेट हो जाता है। सबसे बड़ी बात, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये प्रोग्रामेबल है या नहीं है। आपको इस IC के अंदर कहीं SCL SDA पिन दिखाई अगर दे रही है तो ये प्रोग्रामेबल होती। अब चूंकि इसमें कहीं पर देखिए कहीं भी SCL और SDA पिन आउट नहीं है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये कोई प्रोग्रामेबल IC नहीं है। अगर ये IC ख़राब हो जाती है और आपके पास अवेलेबल हो जाती है तो उसको कोई प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सीधा आप दूसरी नई लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कोई IC प्रोग्रामेबल है या नहीं है। और इस IC में देखिए आपका पिन आउट आप समझ लीजिए, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं दूसरी उसमें दिखा देता हूँ आपको। इसका जो पिन आउट है ये देखिए, ये एक दूसरी IC है, ये भी DC-to-DC IC है, G5562। तो ये भी IC का पिन आउट 6861 AAQ इसके समान है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये G5562 की है और इसका ये पिन आउट है, और सेम पिन आउट हमने अभी जो देखा है 6861 AAQ उसका भी सेम पिन नंबर है, सेम ही वर्किंग रहेगा। अब अलग अलग पैनल के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है बाहरी सर्किट में, बाकी IC का जो वर्किंग का मेथड है वो दोनों में सेम रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।